बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, जरा सा भी बिलीव नहीं होगा। ये कॉमिक्स 38 साल पुरानी है, 38 ईयर्स। ये कॉमिक्स 33 साल पुरानी है, 33 ईयर्स। ये तब से मैंने संभाल के रखी है। ये देखिए 1984, इसमें मैं आपको दिखा दूँ 1989, ठीक। ये दोनों कॉमिक्स मेरे पास 70 साल पुरानी रखी थी, जिसकी आज की कीमत आप लगाएंगे तो 10 से 15 लाख रुपए है। उसको 2015 में किसी ने चोरी कर लिया। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं कर रहा हूँ डिनर। तो डिनर में क्या है, ये दाल है, इसमें आलू मिला लिए हैं उबले हुए, और ये पराठा है। ये दाल जो है ये कल की है, रखी हुई थी, बच गई थी तो गर्म कर लिया। ये आलू जो है ये भी कल के हैं, एकादशी थी। ये दाल एक्चुअली परसों की है, ये कल के आलू हैं, एकादशी को बनाए थे तो दोनों मिक्स। और ये पराठा आज मैंने दोपहर में नहीं खाया था, बचा लिया था। यानी सारा खाना पुराना है, लेकिन अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं खा रहा हूँ अभी। सुबह मैं आपको अपना कॉमिक्स कलेक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से ही। मैं 5 साल की उम्र से कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया मैंने, 5 या 6 साल की उम्र से। किराए पर लाता था, खूब लाता था, एक दिन में 5-5, 6-6 कॉमिक्स लाता था, खरीद कर लाता था, किराए पर लाता था। और मैंने पूरा ट्रंक भर के जमा कर रखी थी कॉमिक्स है। तकरीबन 150 कॉमिक्स मैंने अपने दोस्त को ऐसे ही दे दी थी। और कल मैं देखूंगा कि मेरे पास कितनी कॉमिक्स हैं। तो वो 6-7 साल से एक जगह रखी हुई हैं कार्टन में, मैंने अभी तक नहीं निकाली। मैं कल निकालूंगा सुबह, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना कलेक्शन। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होगी, पंखा चल रहा है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 8:30। मम्मी सोई पड़ी है और ये भोजन ग्रहण समारोह में है। जैसे अजय देवगन को झूठ बर्दाश्त नहीं है ना, झूठ बर्दाश्त नहीं, ऐसे इसको भूख बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पगला जाती है भूखी, ये तो हर कोई पगलाता है यार, बच्चा भी पगला जाता है, तो वो भी बच्चा ये छोटा नहीं, मतलब स्टार्ट हो जाती है, बेसबर हो जाती है, रोना बच्चा नहीं करता। कुछ भी बोतल ला रहे हो तो ऐसे से गर्मी लग जाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, भूखा होता है। तो कितनी बार तो ये खाने में चढ़ गई, पैर गंदे कर लिए। होता है जब भी हम डॉग को है ना भूख लगती है, तुरंत खाना दे देते हैं 5 मिनट के अंदर, तो वो पूरा खा लेता, तो पूरा खा लेता, बेसब्र भी रहता है। तो कभी भी तुमने देर लगाई ना तो वो पगला जाता है। नहीं, और अपने मन से देते हैं ना, कह रहे भूखा होगा ना दे दे तो बचा देगा, क्योंकि उसने खुद नहीं मांगा, हमने दिया है, मांगे तब दो तो पूरा खा लेगा। खाना खा लिया, अब मस्ती शुरू। क्या होगा मस्ती शुरू? क्या करती है चुलबुलिया, देखो चढ़ गई है। ऐसी मस्ती टाइम चल रही है, थोड़ा सा हल्का सा लग गई है। लग गई है, लग गई मेरे बेटा की, लग गई है। इसमें नहीं है बेटा, खत्म हो गया। कल ना मामी सोते सोते बेड पे लुढ़क गई नीचे, फिर उठ के करने लगी, आऊ यहाँ लग गई, वहाँ लग गई। मैंने कि तू कोने में घुसी चली जाए। ये क्या करती है बिस्तर पे, जैसे यहाँ बीच में सुलाया, अभी रोल कर करके कोने पे आ जाती है बिल्कुल। मैं ना सोऊँ इधर तो इधर पूरी घुस के आ जाए, फिर लुढ़क गई कल। वैसे लुढ़कती तो नहीं है, बहुत कम लुढ़की है, छोटी थी बहुत तब बहुत लुढ़कती थी, रोज़ सी लुढ़कती थी, लेकिन बड़ी हो गई तब से लुढ़कना बंद कर दिया। लेकिन कल ये लुढ़क गई तो मैंने इसको बोला है सोते में थोड़ा तो होश रखा कर, कि मतलब कुछ तो पता होना चाहिए कि मतलब लुढ़क ही गए नीचे, ऐसे तो बहुत चोटें लग जाएंगी। अभी कूलर की सफाई चल रही है, कूलर को बाहर निकाला है और इसकी सफाई करी मैंने, इसकी छत साफ़ करी है ऊपर से पूरी, ये पूरी साफ़ करी झाड़ू से कपड़े से। अब नीचे टेंशन चल रही है, इसको सीधा करेंगे। अब स्नो भी इसके नीचे घुसी हुई है, गर्मियाँ बहुत तेज़ शुरू हो गई हैं, कल बेचैनी सी हो रही थी, स्नो भी परेशान कर रही थी, हमें भी गर्मी लग रही थी। अब सोच रहे कूलर लगा लें तो इस कमरे में तो ठीक हो जाएगा, ऊपर तो एसी चलता है। अभी ये भी उठ चुकी है ऑलमोस्ट, कल लुढ़क गई थी, आज मैंने बोला लुढ़क जाएगी तो रोल कर करके बीच में आ गई है। ये कूलर की खिड़की है, इसको साफ करना पड़ेगा हटा के, तब भी खिड़की खुलेगी। अब ये खिड़की जो है चंचल साफ कर रही है पूरी। अब हम कूलर घुमा के अब लगाएंगे यहाँ पर कूलर। मम्मा कूलर लगा रही है, कूलर हो रहा पीछे उधर, इतरा रही है, इसको दिख रहा है सब, सब दिख रहा है, मस्त आ रही है ज्यादा। ज्यादा अंदर नहीं है वैसे, इधर मैंने फ़ोन चालू किया था ट्रैक करने के लिए कुरियर की, कुरियर आया नहीं, तो बाहर अभी फ़ोन आ गया कि कुरियर आया हुआ, बाहर आ जाओ, अभी मैं कुरियर लेकर आता हूँ। Okay.
तो मैं कूरियर लेकर आ गया हूँ, ये जो है अमेज़न से आया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूँगा, अभी टाइम ही नहीं है। ये क्या चोटी बन गई बाकी लाल की तरह है? क्या हुआ? ये काम की चीज़ है, ये खेलने की चीज़ नहीं है। नहीं, मेरी है, आपकी नहीं है। वैसे है तो सबकी को मैं बाद में दिखाऊंगा। छोटी सी अनबॉक्सिंग मैं भी करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट ओके है या नहीं। इसकी अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूँगा, वैसे मैं देख लेता हूँ, वेट तो मुझ पर भी नहीं हो रहा। शॉटगन माइक, ये बड़ा होता था अभी तो। ये माइक है, इतना बड़ा है मेरे चेहरे से, और बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बताया। हाँ, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इससे अब आपको साउंड क्वालिटी अब से शिकायत नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी। इसकी अनबॉक्सिंग मैं अगले ब्लॉग में करूँगा, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, पहले देखूँगा, फिर मैं इसकी अनबॉक्सिंग डेमो रिव्यू पूरा वीडियो ढंग से बनाऊँगा। तो मैंने इसमें माइक लगा दिया है, अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। फ्रंट पर लगा हुआ है, वाइड एंगल मैंने पीछे लगा रखा है। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कितनी दूर से ये मेरी आवाज़ पकड़ लेगा। अभी मैं इससे एक हाथ की दूरी पर हूँ, एक हाथ, अब मैं दो हाथ जा रहा हूँ, अभी मेरी आवाज़ आ रही है। मैं तीन हाथ जा रहा हूँ, तीन से ज़्यादा हाथ हो गए दरवाजे पर, अभी मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात, यानी ये अच्छी खासी आवाज़ पकड़ लेता है। डेड कैट लगा हुआ है अभी, तो मैंने स्नोवी को सिर्फ सादे पानी से नहला दिया है, क्योंकि साबुन से, हाँ साबुन से इसलिए नहीं नहलाया क्योंकि साबुन से नहलाना बार बार सही नहीं होता। एक हफ्ते पहले साबुन से, शैम्पू से नहलाया था, अब सिर्फ पानी से नहलाया, वो भी गुनगुने पानी से। एक साइड हो जाओ, लग जाएगी उसकी। अभी ये गीली गीली हो रही है, बदमाशी कर रही है। अब मैं इसको सुखा रहा हूँ अच्छे से, तो अब ऐसे ही सुखा दे रहा हूँ, ऐसे पहुँच के फिर धूप दिखा के बाल काट दूँगा। बाल काट के बहुत प्यारी सी लगेगी। ये ले, ये खा ले, अच्छे से पकड़ के। कूलर शुरू कर दिया है, ठीक ठाक हवा आ रही है, साफ़ करके पानी डाल के मोटर वगैरह चालू करके सब करके हवा कर दिए, और इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अंदर छुपी है शायद, ये सो रही है इधर। तू अपना खा ले चुपचाप। इसने अभी क्या कांड किया, यहाँ इसका गिलास पानी का भरा रखा था, इसको खिलाने के चक्कर में बनाना सारा हाथ मार दिया, सारा पानी पानी हो गया इधर। ऐसी बदमाशी, अगर पानी पिएगी थोड़ा सा, इतना गिलास भर के ले जाएगी, आधा गिलास भरा रखे कहीं भी रख देगी, यहाँ रख देगी, वहाँ रख देगी, वो फैल जाएगा, सब गीला हो जाएगा। ये करती है ये बदमाशी है। इसको बनाना काफ़ी पसंद है, तो मैं अभी इसको बनाना खिला देता हूँ। मैंने मैश कर दिया है, मेरे हाथ जो है चिपचिपे हो गए हैं, ये मैंने मैश किया है, ये मैं इसको खिला देता हूँ। बाबू ये खा ले, बनाना खा लो, बनाना, ये देखो बनाना, बनाना, ये रहा खाएगी। पहले मैं हाथ में खिलाता था मैश कर करके, अब मैंने कागज़ पे मैश करके रख दिया है। हाथ भी मेरे गंदे हो गए हैं, ऐसे हाथों पे खिलाना सही नहीं है, दांत लग जाते हैं कभी कभी इसके, गलती से लग जाते हैं। तो अभी इसको बनाना पसंद है, तो मैंने आधे के करीब, आधे से थोड़ा कम दे दिया, वैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, आधे से ज़्यादा नहीं दे सकते पिल्ले को, डॉग को एक बनाना से थोड़ा कम पूरे दिन में खिला सकते हैं, क्योंकि अब यही खाती है, कोई भी फ्रूट नहीं खाती है। इसने सेब मंगवाया था, मतलब मंगवाया नहीं था, मैं इसके लिए लेकर आया था, तो उसने खाया नहीं, तरबूज नहीं खाया इसने, और कोई फल खिला नहीं सकते, तो बनाना ही खाती है बस, और दूध, पनीर, रोटी और दही, बस यही इसकी डाइट है। नमू के लिए कॉर्नफ्लेक्स बना रहा हूँ, कॉर्नफ्लेक्स मैंने इस कटोरी में अलग निकाल के रखे हैं। दूध को मैं इस भगोने में अलग से उबाल रहा हूँ चीनी डाल के, और फिर इसमें कर दूंगा, क्योंकि इसमें मलाई लगी हुई थी चारों तरफ, उसको हटाने के लिए मैंने इसी में गर्म किया है। चाय मुझे अभी बनानी नहीं है, दोपहर में बहुत गर्मी रहती है। एक डेली ब्लॉगर की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सारे मानेंगे, जितने भी हैं सब मानेंगे, कि उसके दो ही हाथ होते हैं। चार हाथ होते तो एक से पकड़ते, एक से काम करते, एक हाथ घिर जाता है ऐसे, अगर हमने एक बार सेटअप पकड़ लिया तो एक हाथ घिर जाता है, सब कुछ एक ही हाथ से करो या किसी और को पकड़ाओ। अभी मैं बनाना खिला रहा, मेरे दोनों हाथ चिपचिपे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने ऐसे ही पकड़ लिया, मुझे पूरा चिपचिपा हो गया किट जो है, अब मैंने इसे साफ़ किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैंने रात को बोला था कि अब आपको अपनी कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा जो बचा हुआ है, आधे तो मैं बांट चुका हूँ, आधी बची हैं, वो भी काफ़ी सारी हैं। तो अभी मुझे आटा लाना है, आटा ख़त्म हो गया, अगर मैं 10 किलो का कट्टा लेकर आता हूँ, पहले मैं रखता हूँ, उसके बाद कॉमिक्स का कलेक्शन दिखाता हूँ, चूँकि मैं वो दिखा के गंदा हो जाऊँगा क्योंकि स्टोर रूम में रखा है, उसके बाद मैं नहाऊँगा। तो अभी चलता हूँ, आटा लेके आता हूँ। A few moments later, सामान ले आया हूँ, कॉर्नफ्लेक्स है और आटा है। तो मुझे बड़ी जोर की हंसी आई, उसने बोला 420 420 रुपये हो गए थे दोनों चीज़ों के, उसने बोला 420, मैंने देखा, फिर मैं समझ गया मैंने कि जरा ऊपर नीचे ही कर लेते, 420 बोलना जरूरी है, बोला जितने हैं उतने ही करने पड़ेंगे भाई।
अपनी कॉमिक से निकालने वाला हूँ, कैमरा पकड़ने वाली, मिस गाइड करने वाली है कि यहाँ अंदर है। जब सही करते हैं तो सही से रखते हैं और फिर वापस से ऐसे इकट्ठा हो जाता है। वो है ना देखो, वो वाला लास्ट में जो रखा है, हाँ पीछे उसमें है। आगे वाले डब्बों को साइड कर लो पहले और इसको थोड़ा और खिसका लो इधर बाहर की साइड। अरे तो पूरा भरा है ऊपर तक, इतनी सारी है और जगह है नहीं है। खड़े हो गए तो इंसान थोड़ा ताकत लगा लेता है। अगर ये ओपन जगह होती तो नमामी स्लाइडर स्लाइड कर रही होती इस टाइम पे। अरे इसमें ना लग जाए, टब टूट जाएगा। है ना, ये स्लाइड कर लेते बच्चे अगर ये खुली जगह पे होता तो। टार्जन बनना पड़ रहा है उधर ना, वो ऊपर जीने की जगह है इसलिए वो छोटी जगह है, बट हमने इसको यूटिलाइज कर लिया एज अ स्टोर रूम। और छत भी हमें बड़ी मिल गई। जिम छोड़ने का नतीजा यही होता है। पकड़ने की जगह नहीं मिली, पकड़ समझ नहीं आ रहा, पकड़ूंगा। ऊंचा है ना वैसा, ऐसे ही सरका लो, ऐसे खिसका खिसका के निकाल, ज्यादा जोर जबरदस्ती करूंगा टूट जाएगा, ऐसे खिसका लो। चिमनी का है ये डब्बा। इतनी सारी कॉमिक्स है, मतलब यकीन कर सकते पूरी कॉमिक्स से भर रहा है। तो ये है मेरी कॉमिक्स, सारी कॉमिक्स ही कॉमिक्स हैं, इतना बड़ा डब्बा। और ये आधी है, आधी तो मैं फ्री में बांट चुका हूँ। बिल्लू बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है। मैगजीन्स भी हैं कुछ, ओशो की कुछ वैसी, पर तरह तरह की, पता नहीं कोई कैसी कैसी। एक कॉमिक्स थी शक्तिमान, याद है आपको, शक्तिमान की कॉमिक्स आया करती थी। ये मैं सिक्स क्लास में, नहीं एट्थ में क्लास में था, एट्थ क्लास में तब मैंने खरीदी थी ये। इसका बैंड बच गया है, एट्थ क्लास में खरीदी थी। कितने टाइम हो गया, विराट आता था जो शक्तिमान के बाद, उसकी कॉमिक्स खरीदी थी मैंने नाइन्थ क्लास में। राज कॉमिक्स, ये डायमंड की थी, ये राज की थी। और भी बहुत सारी हैं, मैंने जो किताबें निकाली हैं वो 20% ही होंगी। मैंने वो किताबें निकाली, मतलब कॉमिक्स निकाली हैं जिनके कवर सलामत हैं, जो सही हालत में है, जो फटी पुरानी हो गई हैं, कवर निकल गए हैं, फट गई हैं, पन्ने इधर उधर हो गए, वो नहीं, वो सब हटा दी, वो 80% होंगी। उनमें मेरी कोर्स की किताबें भी थी, एरिना मल्टीमीडिया की थी, एस्ट्रोलॉजी की थी, मैगजीन्स थी, ओशो की थी, बहुत सारी थी, बहुत सारी। तो वो मैंने सारी एक तरफ करके रख दी और ये जो है सारी निकाली है। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो मैं इनको एक एक करके टाइम लैप्स में या फास्ट मोशन में दिखाऊंगा आपको। अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सांस ले लूँ। अभी आप जो नज़ारा देखने वाले हैं वो सिर्फ 20% है कॉमिक्स, वो भी जो सही हालत में है। ये जगह कम पड़ गई है और मैं जहाँ खड़ा हूँ दो पैरों पर, बस वही जगह मैंने छोड़ी है, बाकी सब में मैंने कॉमिक्स लगा रखी है। आप ये वीडियो एक या दो मिनट में देख तो लेंगे, पर इसमें मैंने कितनी मेहनत की है मैं ही जानता हूँ। पसीने छूट गए, धूल मिट्टी में गया, 2 घंटे लग गए निकाल के लाने में, साफ़ करने में, करने में, ये सब एडजस्ट लगाने में, हालत ख़राब हो गई। सबसे पहले मैं यही दिखा दूँ, ये छोटी सी कॉमिक्स देखिए। ये मैं जब तकरीबन 13 साल का था तब मैं स्केच पेन लाया था, उसके संग फ्री मिली थी, अभी तक संभाल के रखी है। सोचिए आधी मैंने कॉमिक्स दे रखी है, मैंने 150 कॉमिक करीब अपने दोस्त को दे दी थी, ऐसे ही ले जा तू कर, पढ़ लियो या बेच दियो जो भी करना है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नज़ारा, ये मेरे पैर बस बचे हैं, बाकी ये सब आप देख सकते हैं वहाँ भी। और ये जगह नहीं बची थी तो मैंने इसके ऊपर भी रख दी, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। In time I'm fading fast, I just wanna make it last, try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back, what's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack, and sometimes you just gotta believe, there's something that'll give you relief, there's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me,
लिया होगा मेरी कॉमिक्सों का झगड़ा जो सिर्फ 20% है। तो ये जो है 30 से लेकर 10 साल पुरानी है सारी की सारी। तो इनको दिखाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, छत पे मैं जा सकता था लेकिन छत पे हवा चलती है उड़ जाती, इसलिए मैंने ये जगह चुनी। यहाँ पर्दा लगा हुआ है तो यहाँ सेफ है, लेकिन लगाने में बहुत मेहनत लगी है। तो इनको मैं 10 साल की उम्र से सहेज कर रख रहा हूँ। तो आपके लिए सिर्फ मैंने ये मेहनत की है आपको दिखाने के लिए। उम्मीद है आप अप्रिशिएट करेंगे इसे कि मैं कितनी चीज़ों को सहेज कर रखता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बचपन से अपनी चीज़ों को सहेज कर रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आगे चलकर आप अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो कितनी पुरानी चीज़ें थी, कैसी थी चीज़ें। हम कॉमिक्स पढ़ते थे सिर्फ, हमारे पास टीवी नहीं थी देखने को, स्मार्टफोन नहीं थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। हमारे पास क्या था, वीडियो गेम आते थे वो मारियो कॉन्ट्रा वगैरह वाले, वो भी कभी किराए पर जाकर खेल लेते थे, कॉमिक्स से किराए पर लाकर या ख़रीद कर पढ़ते थे, पतंग उड़ाते थे, आइसक्रीम वगैरह खाते थे, खेलते थे बाहर, ये ज़िंदगी थी। तो इन चीज़ों को देख के बचपन याद आ जाता है अपना पुराना, कि कैसे दिन हुआ करते थे अच्छे खासे। तो एक अच्छी फीलिंग आती है। अभी मैं गंदा हो गया हूँ, अभी मैं नहा लेता हूँ, फिर साफ़ सुथरा होकर बाकी काम करूँगा। अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो बाय।